अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? आई होप के आप भी ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय किचन लाइफ। आज हम क्या बना रहे हैं? तुर्किश चिकन सूप। तो इसका ये पहले मैं सूप निकालती हूँ इस पंजे का। देखिए, पंजा की बिल्कुल फ्रेश पंजा है, मैंने बनवा लिया था। और ये सब है सूप का सामान। ये प्याज है 2 अदद, 2 अदद ये हरी मिर्च के जो लाल मिर्च होता है वो है लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, काली मिर्च, इसमें लौंग है, इसमें बादियान का फूल है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, ये सब सब मैंने मिक्स कर दिया। तो पहले हम इसका सूप निकालते हैं, फिर बाकी आइटम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है? जब तक हम इसका सूप निकालते हैं जी। तो मैं ये गाजर, मटर और ये बंद गोभी निकाल लिया मैंने। इसको अब मुझे पील ऑफ करना है इन सब चीज़ों को, और ये चिकन का रेशा बना करके, बॉईल करके रेशा बना करके उसमें डालूंगी मैं। तो ये सब मैं पील ऑफ करती हूँ। ये चिकन का रेशा मैं डाल दी इसमें, थोड़ा सा भूनूंगी सिरका। चिकन हल्का सा लाइट फ्राई कर लूंगी मैं, अदरक लहसुन डाल करके इसमें हल्का सा फ्राई कर ली मैंने। ठीक है, वैसे तो ये बॉईल करके रेशा किया हुआ है, इसको थोड़ा फिर फ्राई करना पड़ेगा। ये डाली मैं, उसके बाद कद्दूकस किया हुआ गाजर को मैं कद्दूकस किया हुआ है ये डाल दूंगी इसमें फ्राई करने के लिए। लाइट सा फ्राई करूंगी, ज़्यादा नहीं। बारीक बारीक कटे हुए हैं ये बंद गोभी, इसको भी लाइट फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिर्च काटी, ये हरी मिर्च है, ये लाल मिर्च है, इसको भी लाइट फ्राई करूँगी। थोड़ा नमक, बोला नहीं है, ढन ढन कर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बॉईल करके ये निकाल लिया, इसको फ्राई करके, बल्कि बॉईल करके नहीं, इसको बॉईल करना पड़ेगा, गलाना है मुझे। और ये भी फ्राई करके निकाल दिया मैंने, लाइट फ्राई करूँगी इसको, बिल्कुल गलाना नहीं है। ठीक है, ये ले बट इसको गलाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँ, थोड़ा सा हल्का सा नमक डालूँगी। आपके किचन में जितनी सब्जियाँ हों सबको डाल सकते हैं, बस मेरे पास यही बंद गोभी, मटर, गाजर, ये मिर्चें, ये सब थे तो मैं यही सब डाल रही हूँ। आप इसके अलावा आपके पास आपके किचन में जो भी सब्ज़ी आप डाल सकती हैं, ये आपके चॉइस पे है, जितनी सब्ज़ी डालें उतने ही मज़ा आता है। ये मैं सिरका डालती हूँ इसमें थोड़ा सा, ये सोया सॉस से तकरीबन आधा चम्मच दोनों डाली हूँ मैं। ठीक है, ये चाइनीज़ नमक, ये भी थोड़ा सा,
लेंगे, ये गलाना है इसको, तो लिहाजा इसको हम ढक देते हैं। ये सूप मैंने तैयार कर लिया था, ठीक है। इसमें मटर गला करके इसमें डाल दी, ये चिकन का रेशा है ये डाल दी। अब मैं इसको मैक्रोनी को इसी में, ये खोलने के बाद ये मैक्रोनी को मैंने इसी में डाल दूंगी बॉयल होने के लिए। जब तक ये खोलता है, ये दो अंडा मैं ली हूँ और इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही डाल दूंगी। ये सूप सही से खोल चुका है और मैं पंजे का सूप बनाई थी, तो पंजे को मैंने सब कुछ बिल्कुल सूप निकल चुका था, तो अब पंजा क्या करती है, मैं उसको मैं बिल्ली को दे दी, क्योंकि बिल्ली का भी तो हक होता है ना, जानवरों का भी हक होता है, मैं उसको दे दी। तो अब ये मैं दो अंडा फेंट करके इसमें डालूंगी और मुस्तकिल चलाती रहूंगी इसको। अंडे में सिर्फ नमक डाल लिया हूँ, ठीक है। ये डालती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके भी। मुस्तकिल हिलाती रहूंगी इसको, थोड़ा पक जाइए, उसके बाद ये मैक्रोनी डालूंगी मैं। सूप रेडी हो गया है, ये अंडा बिल्कुल पक चुका है सही से। अब इसको क्या करना है, अब ये मैक्रोनी इसी सूप में मैं डाल दूंगी, अलग से बॉईल नहीं किया मैंने, इसी को इसी सूप में डाल करके इसको बॉईल करूंगी। ठीक है, इसे पानी में ये इसी सूप में ये बॉईल होगा। जब ये बॉईल हो जाएगा तो ये सब जो फ्राई करके रखी थी मैं, ये सब डाल दूंगी। मैक्रोनी के इस मैक्रोनी को इसी सूप के पानी में बॉईल करना है, अलग से बॉईल नहीं करना है इसको। और ये सब फ्राई करके, हल्का हल्का लाइट फ्राई करके इसको रखा मैंने। ये हरी मिर्च मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी, अंडा भी पक जाएगा सही से, मटर भी गल जाएगा और ये मैक्रोनी भी बॉईल हो जाएगा इसी में। तो ये मैक्रोनी गल चुका है, ये बिल्कुल सही गल चुका है ये। तो अब मैं क्या करूँगी, सब जो फ्राई किए हुए सब्ज़ी थे सब मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। बंद गोभी, गाजर, मटर, ये मैं इसमें डाल दी। अब अगर आपको इसको पतला लग रहा है या आपको गाढ़ा करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसको डाल देंगे। वैसे मुझे ये सही लग रहा है, ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल सेट है, ये परफेक्ट है।
अब हम क्या करेंगे, इसको ये लाल मिर्च जो मैंने काटा हुआ था, ये मिर्च को, इस मिर्च को मैं डाल दूंगी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसको। अब इसको धीमे आँच में, स्लो फ्लेम में इसको पकने देना है। वैसे इसके थिकनेस सही है, बिल्कुल सही है, इसमें नहीं डलेगा। ये सब सब्ज़ी थोड़ा सा गल जाए, मैंने सिर्फ जस्ट फ्राई किया था, इसको गलाया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं गलाया था। अब ये गल जाए थोड़ा सा, फिर मैं इसको फिर निकालती हूँ। फाइनली लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सूप कम्प्लीटली रेडी है, बिल्कुल देखें इसको, फाइनली लुक ये है। तो अब हम चूल्हा इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये चूल्हा हमारा बंद हो गया, अब हम इसको निकालते हैं। कलर देखें, रेड है, ग्रीन है, वाइट है, येलो है, सब कलर है इसमें। ठीक है, ये हमारा फाइनल लुक। थोड़ा सा मुझे मसाला कम लग रहा था, तो मैंने ये मसाला डाल दिया, जायका अच्छा आ जाता है इससे। ये मसाला थोड़ा सा डाली हूँ मैं, एक पैकेट से लेके हाफ डाली हूँ मैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की भी कमी इसमें लगती हो, तो आप ऊपर से ये सिरका है, सोया सॉस है, ये चिली सॉस है, जिस तरह मसाला आपको रखना है इसमें आप डाल करके पी सकते हैं। ये तो आप डिनर भी हो जाएगा, आपका सूप भी हो जाएगा। ठीक है, ये सूप पीजिए और मुझे याद कीजिए। ठीक है, तो गाइस कैसा लगा मेरा रेसिपी ये आज का? अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे शेयर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। और अब हम क्या करते हैं, इसको हम इंजॉय करते हैं, और आप रेसिपी को देखते हुए आप खुद अपने घर पर ट्राई करें और मुझे दुआएँ दें। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।